जय माता दी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको बताऊंगा 6 ऐसी जगह जिसमें आप श्री माता वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद जरूर इन जगहों पे जाइएगा। और अधिकतर भक्तों को इन जगहों के बारे में नहीं पता होता है, तो आप बात कर लेते हैं नौ देवी मंदिर, जो कि बिल्कुल श्री माता वैष्णो देवी की तरह है, जहां पर नौ पिंडियों के रूप में माता रानी विराजमान है और जो कि कटरा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। अब बात कर लेते हैं दूसरी जगह जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, सियार बाबा, जहां पे बहुत ही प्रसिद्ध एक झरना है जिसको देश विदेश से लोग देखने आते हैं। अब तीसरी ऐसी जगह है बाबा धनसर, जो कि कटरा से मात्र 17 किलोमीटर दूर रियासी जिले में स्थित है। बाबा धनसर जो कि माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे और माता रानी ने एक बार उनको दर्शन भी दिया था उनसे भक्ति से प्रसन्न होकर, और उन्होंने वरदान में अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, अपने गांव के लिए जल मांगा था और आज भी वो जल वहां पर मौजूद है जिसको लोग देखने आते हैं। अब बात कर लेते हैं पांचवी जगह जो है पांच देवी पिंडी, और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इस जगह पे अवश्य जाइएगा। बताते हैं साल में कुछ समय माता वैष्णो देवी इस जगह पे जरूर आती हैं। और अब बात कर लेते हैं छठवीं और आखिरी जगह जो कि है शिवकोरी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इस जगह बाबा शिव और शंकर एक पिंडी के रूप में वहां पर विराजमान है। इस गुफा में देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कटरा से बहुत पास हैं, जिनको देश विदेश से लोग देखने आते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा उनके साथ जिनको पता ना हो कि कटरा के पास ये भी प्रसिद्ध जगह हैं जिनमें आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।